अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि हमारे देश को आजाद किसने करवाया, तो आप लोगों के मन में कुछ गिने चुने लोगों का नाम आएगा, जैसे कि महात्मा गांधी, नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह। पर एक छोटा बच्चा भी जान सकता है कि पूरे देश को आजाद कराने में ये चार लोगों का, पांच लोगों का हाथ नहीं है, बहुत सारे लोगों का हाथ है जिनका नाम हम लोग नहीं जानते हैं। तो इन्हीं में से स्टोरी दिखाई गई है कुसा मेहता नाम की लड़की की, जिसे की बचपन से ही अंग्रेजों से चिढ़ रहती है, और जैसे जैसे वो बड़ी होती जाती है तो उसकी ये चिढ़ जो रहती है उसकी नफरत में बदल जाती है। अब उसा मेहता जो है पूरे देश को आजाद करवाना चाहती है अंग्रेजों से, और ये अकेली ही नहीं होती है, इसके दो दोस्त भी रहते हैं जिनमें से एक लड़के से ये प्यार करती है, और दूसरी तरफ उषा मेहता के फादर जो रहते हैं वो ब्रिटिश सरकार के लिए काम करते हैं। और इन तीनों फ्रेंड्स की कहानी तब बदलती है जब नेहरू जी, गांधी जी, मतलब जो भी बड़े बड़े लीडर थे, वो गिरफ्तार कर लिए जाते हैं ब्रिटिश सरकार के द्वारा। और अब इन तीनों दोस्तों को लगता है कि अब तो कांग्रेस बंद हो जाएगी, तो उनका रेवोल्यूशन किसी काम का नहीं रहा। पर तभी जो उषा मेहता के दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो पूरे के पूरे देश को रेवोल्यूशन में बदलना चाहती है, और उसके लिए चाहिए कम्युनिकेशन। और मूवी में कम्युनिकेशन के नाम पे हमें रेडियो दिखाया गया है, और इस रेडियो की आवाज धीरे धीरे राम मनोहर लोहिया के कानों पर पड़ती है, और जिसका रोल इमरान हाशमी ने निभाया है। और जब इस एक्टर को मैंने इस मूवी में देखा तो एक मिनट के लिए मैं सोच में पड़ गया कि क्या सोच करके डायरेक्टर ने इस एक्टर को इस मूवी में लिया होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इमरान हाशमी किस तरह की मूवीज बनाता है। अब राम मनोहर लोहिया और उषा मेहता के दो दोस्त एक रेडियो के जरिए पूरे देश में कैसे रेवोल्यूशन लाते हैं, ये सारी चीजें इस मूवी में देखने के लिए मिलती है। मूवी ज्यादा बड़ी नहीं, आपको अप्रोक्स 2 घंटे के आसपास की देखने के लिए मिलती है। मूवी में उषा मेहता, जिसका रोल सारा अली खान ने निभाया है, मूवी के एक जगह उसका एक डायलॉग रहता है जिसपे मुझे काफी ज्यादा हंसी आती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि इतनी सीरियस मूवी में जिस तरह से सारा अली खान की डायलॉग डिलीवरी जो है मूवी के कैरेक्टर के साथ मैच नहीं खा रही थी, जो कि इस मूवी का सबसे बड़ा लूप होल था। और दूसरी तरफ बात करो इमरान हाशमी की, तो भाई उस बंदे ने हिला डाला। जिस तरह की परफॉर्मेंस इस बंदे ने दी है, आप लोगों को ऐसा एहसास होता है कि आप लोग सच में किसी फ्रीडम फाइटर को देख रहे हो। ओवरऑल जो मूवी है काफी ज्यादा सही है, साथ में मूवी की स्टोरी को ध्यान में रख के ही चीजों की डिटेल पे काम किया गया है। लाइक मूवी में स्टोरी आपको वर्ल्ड वॉर 2 के समय की दिखाई गई है, जब महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, और उस समय किस तरह की चीजें थी इंडिया में, किस तरह की गाड़ियां चलती थी, अंग्रेजों का किस तरह से राज था इंडिया में, लोग किस तरह के कपड़े पहनते थे, और इंडियंस की क्या हालत थी इंडिया में ही, वो सारी चीजें काफी अच्छे से दिखाई गई है। और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं ये बोलने वाला हूँ, अगर सिर्फ इस मूवी में बॉलीवुड हीरोइन को ही लेना था तो भाई आलिया भट्ट को ले ले, और आलिया भट्ट इस रोल को सारा अली खान से तो काफी अच्छे से निभाती, क्योंकि भाई हम लोगों ने गंगूबाई में आलिया भट्ट की एक्टिंग देख रखी है, और साथ में एक ऐसे डायरेक्टर की जरूरत थी जो अच्छे से एक्टिंग करवा पाए। पर कोई बात नहीं, इस मूवी में सारा अली खान से ही काम चल गया, क्योंकि सारी जगह पे एक्टिंग खराब नहीं थी, कुछ कुछ जगह पे मुझे ज्यादा अच्छी नहीं लगी। ये तो थोड़ी लो बजट मूवी थी, अगर इस तरह की एक्टिंग सारा अली खान कोई बिग बजट मूवी में करेगी तो भाई वो मूवी फ्लॉप हो जाएगी। पर अगर कास्ट की एक्टिंग को साइड में छोड़ दें तो इस मूवी की स्टोरी काफी ज्यादा सही है। इस मूवी को हर किसी को देखना चाहिए, बच्चों से लेकर के बूढ़े तक, जिससे कि हम लोग जान पाए कि हमारे देश को आजाद करने में ऐसे ऐसे लोगों का हाथ है जिनका हम लोग नाम तक नहीं जानते हैं। और अगर आप लोगों में से इस मूवी को देखने में कोई इंटरेस्टेड है तो भाई Amazon Prime के ऊपर देख सकते हो। और आप लोगों में से किस किसने ये मूवी देख रखी है मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी।